तो भाई फाइनली अपनी बुलेट के अंदर काम हो गया स्टार्ट, पीछे का टायर खुल रहा है। ये पर्सनली मैं बता दूं कौन सा पसंद है, एक तो ये वाला कुछ इस वाली साइड में हार्ले वाला लुक दे रहा, तो आप इससे दे सकते हैं। भाई रज्जो, ए रज्जो लिखा, और ये यहाँ पे हैशटैग दिल पे चोट। दोस्तों कैसे आप सभी, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF Explore। दोस्तों मैं आपके लिए और नई वीडियो जो है अपनी इस वाली स्टैंडर्ड 350 के ऊपर, और आज इस वाली वीडियो में इसको करवाने वाले पूरे का पूरा चेंज, मतलब आज हम इसको असली स्टैंडर्ड बनाने वाले। जब इसको परचेज करा था तो ये थी स्टैंडर्ड बस नाम की, बट आज इसमें चेंजेस होने वाले हैं और बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस होने वाले हैं। एक तो हम इसके अलॉय व्हील चेंज करवाएंगे और इसका जो पीछे वाला टायर है वो भी चेंज करवाएंगे, मोटा लगवाएंगे, क्योंकि जो अभी कंपनी से पतला सा टायर आया है बड़ा भाई याद है यार, मतलब ब्रेकिंग पकड़ता ही नहीं है टाइम पे और मतलब डिसबैलेंस भी हो जाती है भाई। मतलब स्प्लेंडर जैसा टायर है वो यार, जो चीज़ स्प्लेंडर में होनी चाहिए वो कंपनी ने बुलेट में दे रखी है, तो वो भी हमें चेंज करवाना है। और भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं लेकिन वो छोटे छोटे हैं और उनको देखेंगे कि अगर हमें वो चीज़ अच्छी मिली तो वो चेंज करवा देंगे, नहीं मिली तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो वीडियो के रास्ते आपको पता लग जाएगी वो चीज़ हमें मिली है नहीं मिली है। बाकी अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड की स्टैंडर्ड 350 है और अगर आप उसको इस तरीके से मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो से आपको काफी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस लाता रहता हूं। सो यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चलते करो लोग मार्केट के अंदर और वीडियो करते हैं शुरू। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे, ये रॉयल बुलेट एसेसरीज करके वर्ल्ड शॉप है यहाँ पे, और ये रही अपनी स्टैंडर्ड पूरी हो रखी है खराब। लास्ट टाइम आपने देखा था, मतलब कुछ करवाया था सब कुछ ठीक था लेकिन अब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी सी लग रही है इसमें, आप सीट वीट सब फट गई इसकी। और दूसरा ना इसमें रिम डलवाना है, एलॉय डलवाना है, क्योंकि जो स्पोक वाला व्हील है इसमें पीछे वाला दिक्कत दे रहा है, ये बैंड हो गया। और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे अंदर चलिए, सब कुछ कैसा रहने वाला है, प्राइस वगैरह भी बाद में देखेंगे क्या रहेगा फाइनल। सही खुशी हो रही है आज, सही खुशी हो रही है भाई, मेहनत की कमाई से आज अपनी गाड़ी पर लग गई पापा की। तो भैया को बोलता हूँ इसे ले जाएंगे भैया इस वाली शॉप के अंदर, ये भैया की शॉप है, काफ़ी सारे अलॉय है, काफ़ी सारी वैरायटी है। मुझे उस वाली साइड में अलॉय ये पसंद आ रहा था लेकिन ये इसमें अच्छा नहीं लगेगा, इसमें अच्छा लगेगा कौन सा वाला आप बताओ कौन सा अच्छा लगेगा। बाकी जो मुझे अच्छा लग रहा है वो हमने कुछ सिलेक्ट तो करे इनमें से, बाकी देखते हैं अंदर जाने के बाद कौन सा अच्छा लगेगा वो इसके अंदर लगवाएंगे। तो भाई फाइनली अपनी बुलेट के अंदर काम हो गया स्टार्ट, पीछे का टायर खुल रहा है यहाँ पे, जो स्पोक व्हील लगा हुआ था वहाँ पे भैया लगे फुल मशक्कत करने में, और पीछे की साइड में ये इतने सारे अलॉय यहाँ पे लटके हुए हैं। मुझे पर्सनली मैं बता दूँ कौन सा पसंद है, एक तो ये वाला और एक उसके नीचे वाला, और बाकी नीचे की साइड में सारे एक ये ब्लैक वाला इधर का हटा के, और उस वाली साइड में भी एक ब्लैक है वो भी हटा के, एक ये अच्छा है और एक जो अपनी बाइक में लगने की हम सोच रहे हैं अभी वो मुझे थोड़ा सा पसंद है, बाकी जब लगेगा जब देखिए कौन सा ठीक रहने वाला है। बहुत सारे आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ, तो कुछ ये रहे ऊपर ही साइड में और कुछ इस वाली साइड में, हार्ले वाला लुक दे रहा है तो आप इससे दे सकते हैं। और यहाँ पे ये मल्टी स्पोक स्पोक अब इन स्पोक की वजह से तो मुस्लिम को चेंज करवा रहा, तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ, लेकिन ये विंटेज लुक आपका काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर देगा। और ये जो बैक रेस्ट लगते हैं देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटी है यार। तो ये खुल गया अपना टायर पीछे का, अरे देखो कितना पतला यार, इतना पतला टायर तो स्प्लेंडर के अंदर भी नहीं आता, अब इतना पतला टायर स्प्लेंडर में भी आता है क्या, अरे स्प्लेंडर में आता है इतना पतला टायर, तो कितना बेकार सिस्टम हो रखा है। ये टायर आता भाई कंपनी से, क्या होगा इन टायरों से, एक बार स्लिप होनी स्टार्ट होती तो होती चली जाती है, और बारिश में बहुत ज्यादा ज्यादा फिसलता है। और इसका मैं जीता जागता आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, नाइस। बाकी सर्विस करवा के आए थे लेकिन गंदी अभी भी है, तो रॉयल इनफील्ड की ऐसी धुलाई है भाई देख लो, और वो ड्राई वॉश नाम रखा है ना इसका, बाकी जैसी हमारी बुलेट है ऐसे यहाँ पे अपनी रज्जो, और रज्जो बोबो ले बिस्कुट का, इसे हमने खिलाया आइडेंसी, जो हम खाएंगे वही तो खिलाएंगे ना। हाँ भाई रज्जो, ए रज्जो लिखा, नहीं एक दे खिला खिला ले रज्जो बिस्कुट का, और अभी मेरा टाइसन होता हाथ खा जाता मेरे, वो धूप भी पूरा गीला, कोई बात नहीं प्यार है भाई, नहीं मेरे को लिखा एक और का,
एक तेरा एक मेरा एक तेरा एक मेरा। काफी सारी मशक्कत करने के बाद यहाँ पे जो ये टाइमिंग प्लेट होती है ये निकल रही भाई पे, और ये यहाँ पे हैशटैग दिल पे चोट। सो भाई फाइनली अपना प्यार आ गया। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया। बड़ी देर मेहनत करके पहले तो वो खुलवाया, फिर इस पे टायर चढ़वाया। ये फ्रंट में वही टायर है जो बाइक के अंदर था, और रियर वाला टायर चेंज कराया, इसमें अपोलो का गिरवाया है, और ये मोटी गोटी का 120 वाला। ये बंदा वैसे ये वाला डलवा नहीं रहा था, और मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद था, और स्टैंडर्ड के अंदर ये अच्छा लगता भी है, तो इसीलिए मैं ये वाला लगवा रहा हूँ। रामी मानुस दो दिल में पलट गया। सो ये रहे अपने दोनों टायर, और अपने दोनों रिम उस वाली साइड में रखी है जो खुल रही थी अभी, तो वो तो हम ऐसी के ऐसी घर पे लेके जाएंगे। यहाँ पे ये रिवोल्ट के ऊपर यार लैमिनेशन हो रही है इस वाली साइड में, यहाँ पे सिर्फ बुलेट के काम होते थे, ये देखो इन पे लैमिनेशन हो रही थी, और अब इसके ऊपर हो रही है ये रिवोल्ट RV 400। मैंने यहाँ पे ये इसको भी टाइट होने देता है, अभी इसकी डिस्क वगैरह टाइट करी जाएगी इसमें, और ये ग्रीस व्रीस भैया लेकर आ गए तो काम करने देते हैं, और देखते हैं अभी इसमें और क्या क्या काम होने वाला है जब ये सेटिंग होगी इसकी। सो फाइनली लग गया यहाँ पे एलॉय जो लगवाने थे, और अब देखो कितना प्यारा लग रहा है यार ये। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी आपकी चॉइस भी पता लगे कि स्टैंडर्ड में आपको कोई और सा पसंद था इन सब में से, तो वो भी पॉइंट आउट कर सकते हो, लेकिन ये कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना। काफ़ी ज़्यादा सोचा समझा जब जाके हमने इसको फाइनल करा है। तो फाइनली अपनी बुलेट हो गई कम्प्लीट। भैया करो यार टेस्ट करो इसे। अब बताओ यार कैसा लग रहा है, और टायर घिस रहा है ये भाई, नुकसान करवा रहा है बंदा। ये रही अपनी स्टैंडर्ड। क्या खुशी है लड़के के मुंह पे भाई। सो फाइनली अपनी बुलेट हो गई ओके, और ये इसके पुराने वाले रिम स्पोक व्हील, बाकी ये लग कैसी रही। अभी एक काम और बचा है इसकी सीट का, पहले इसकी सीट चेंज करवा लेते हैं। अभी चलते हैं भाई शॉप पे, देखते हैं कैसा कुछ रहने वाला, क्या प्राइस रहेगा, अभी वहाँ पे चल के बताता हूँ। तो भाई पहुँच गए हम लोग खजांची सीट वाली जो ये शॉप है एरिया पे, और ये छोटी सी नहीं है, यहाँ पे इस वाले जीने से ऊपर चढ़ के फोर्थ फ्लोर पे जाना पड़ता है, फोर्थ या थर्ड फ्लोर जो भी है, वो वहाँ बहुत सारी सीट रहती है। अभी हिम्मत तो नहीं है वैसे ऊपर जाने की, पर देखो बाकी बाइक अपनी ये रही अपनी सीट। अभी भैया इसके ऊपर क्रोम बीडिंग होती है ना साइड में जो लगती है पतली सी, वो लगाएंगे देन इसको फिट करेंगे। लग गई भाई पतली सी सीट, थोड़ी लंबी सी भी लग रही है ना, बाकी निकलती कैसी है, कब तक चलती है, कब तक इसका कवर चलता है, वो देखने वाली बात है। अभी अब लग रही है थोड़ी सी स्टैंडर्ड जैसी, ये देखो यहाँ से लग रही है ना स्टैंडर्ड। मोटे पैसे खर्च करवाने के बाद स्टैंडर्ड बनी है, खरीदी थी हमने जब स्टैंडर्ड नहीं थी, अब स्टैंडर्ड है। दोनों भाई इसकी हेडलाइट भी खुल गई। इसकी हेडलाइट में भी मॉडिफिकेशन कराएगा, पूरी स्टैंडर्ड बना के ही मानेगा। ये रही इसकी हेडलाइट और ये गई खुल। तो भाई अपनी स्टैंडर्ड के हो गए सारे काम, और ये बन गई फाइनली स्टैंडर्ड। ये देखो मीठा खाओ, देखो भाई इसका मीठा सारे दे दे। दो भाई बन गई स्टैंर्ड। ओए होए क्या लग रही है। सो दोस्तों ये रही अपनी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350, जिसको हमने प्रॉपर स्टैंडर्ड अब बना दिया है, और अब आप देखो ये वाले अलॉय व्हील कैसे लग रहे हैं इसके अंदर। मुझे पर्सनली ये वाला अलॉय काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मुझे इसी तरीके का अलॉय लगवाना, और वहाँ पे मुझे मिल भी गया, और प्राइस भी ठीक ठाक मिल गए, और प्राइस की बात बाद में करेंगे, पहले आप अलॉय देखो। बाकी अगर इस वाले रियर टायर की बात करें तो ये हमने कम्प्लीटली चेंज करवाया, इसका साइज भी चेंज है, मतलब 18 इंचेस का ये एलॉय है, और अगर इसकी इस वाली साइड की बात करें तो 80, और अगर इस वाली साइड की बात करें तो ये 120 का जो इसका साइज है वो है, और ये मोटी गोटी वाला टायर है, और इसकी ग्रिपिंग भी अच्छी है ऐसा वहाँ पे भैया बता रहे थे, और वो वाली शॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल लगी जहाँ से मैंने इसको लगवाया है। सो अगर इसके प्राइस की बात करें कि एलॉय मुझे पड़े कितने के हैं, तो ये जो एलॉय का साइज था ये 7,000 रुपये के एलॉय, और पीछे वाला जो टायर हमने चेंज करवाया ये पड़ा है हमें 2,500 रुपये का, और अगर इसकी फिटिंग की बात करें तो 500 रुपये लेवाए उन्होंने हमसे। वैसे आपको 400 रुपये का भी मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन रिलायबल जगह से काम कराने का फ़ायदा यही होता है कि उनके पास प्रॉपर टूल होते हैं, और फिर वो उन चीज़ों से काम करते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट की जो रिलायबिलिटी होती है वो ख़राब नहीं होती, और अपनी बुलेट से हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करवाना चाहते थे फालतू की, तो इसलिए हमने उस जगह से ये सारे काम करवा लिए, और फिटिंग भी हमने वहीं से करवाई। और अब दिखाता हूं मैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एक तो हमने ये सीट चेंज करवाई है, हीट हो गया भाई ये, कोई ये शो ऑफ नहीं कर रहा मैं, हीट हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसको ठंडा कर रहा हूँ, और अब दूसरे कौन से हो रहा है ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना। बाकी ये सीट चेंज कराई हमने, पतली वाली लगवाई है यहाँ पे,
और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो हमें 800 रुपए की पड़ी है, 700 रुपए की सीट थी और 100 रुपए लगाने के लिए लिए उसने, मतलब जो शॉप में जिन भैया ने इसको लगाया था उन्होंने इंस्टॉलेशन चार्ज लिया हमसे 100 रुपीज और ये बिडिंग वगैरह सारी कुछ उन्होंने लगा के दी थी। और ये जो सीट ली हमने खजांची से ली थी। और सबसे मस्त मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ जो पूरी बुलेट की लुक चेंज कर दी उसने, वो है ये फ्रंट की। इसकी हेडलाइट हमने कुछ भी चेंज नहीं कराया वैसे इसके अंदर, बस इसका ये सीसा चेंज हुआ है आगे का। और इसका जो कॉस्ट है काफी ज्यादा ऊपर नीचे होता है, मैं इसके आपको कॉस्ट बताता हूँ, आप सच में चौंक जाओगे। 70 रुपए तो हमने इस वाले शीशे को लगवाने के दिए और बस 40 रुपए का हमने ये शीशा परचेज करा वहाँ से लगवाने के लिए। और एक भैया इसको 150 रुपए का दे रहे थे, कोई 250 रुपए का दे रहा था, तो भाई हमने ये 40 रुपए का लिया है और 70 रुपए में लग गया था। तो टोटल कितना हो गया, 110 रुपए में ये शीशा पूरा लग गया बाइक के अंदर। सो यही हमने कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाए थे और अब लग रही है प्रॉपर स्टैंडर्ड 350। पैसा ही पैसा। सो दोस्तों यही थी पूरी मॉडिफिकेशन अपनी इस वाली स्टैंडर्ड 350 के ऊपर। अब लग रही है प्रॉपर ये स्टैंडर्ड। जब हम इसको परचेस करके लाए थे तो बस ये नाम की स्टैंडर्ड थी और अब बनी है प्रॉपर स्टैंडर्ड और चलाने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और लोग अब मुड़ मुड़ के भी देख रहे हैं, पहले सोचते थे यार ये तो नॉर्मल बुलेट सी जा रही है, बट आवाज जरूर होती थी क्योंकि हमने साइलेंसर बहुत पहले ही चेंज करवा दिया था। सो वो मजा नहीं आ पा रहा था यार चलाने में, राइड करने में। तो अब राइड क्वालिटी भी चेंज हो गई है, मजा भी आ रहा है चलाने में और लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं और हमें भी मजा आ रहा है इसको देखने में और अब लग रही है अच्छे से स्टैंडर्ड। बाकी अगर प्राइस की बात करें टोटल हमने इस वाली पूरी बुलेट के अंदर 11,000 रुपए लगा दिए इसको पूरा इस तरीके से बनाने के लिए। और अगर आपके पास ऐसी कोई भी स्टैंडर्ड और अगर आप उसको मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, बेसिक मॉडिफिकेशन उसके अंदर करवाना चाहते हैं, तो 11,000 से 12,000 रुपए के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी और कुछ इस तरीके की आपको देखने को लगेगी। वैसे तो ये बेसिक मॉडिफिकेशन है लेकिन इसने पूरी लुक चेंज कर दी हमारी बुलेट की। सो मुझे तो पर्सनली ये वाली बुलेट देखने में काफी अच्छी लग रही है, आपको ये वाली बुलेट देखने में कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी अब इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, इस वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कॉन्टेंट के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।